नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उप निरीक्षक और दीवान के घर चोरों का धावा, 15 लाख का माल किया पार। हरदोई जिले के मानोगंज में अज्ञात चोरों ने दरवाजे में लगे तालियों को तोड़कर एक दरोगा और उसके भाई दीवान के मकान में लगभग 1 लाख की नकदी सहित लाखों रुपए की जेवरात उठा ले गए। वहीं पड़ोसी गांव में भी एक मकान का ताला तोड़कर चोर हजारों रुपए का सामान पार कर गए। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। थाना क्षेत्र के गांव केओटी ख्वाजगीपुर निवासी उप निरीक्षक रामकृष्ण वर्मा और उनके भाई दीवान महेंद्र प्रताप सिंह के घर चोर शनिवार की रात मेन गेट का ताला तोड़कर छत पर चढ़ गए। यहां से जीने के रास्ते से घर के अंदर आए चोरों ने दोनों भाइयों के कमरों के कुंडे तोड़ दिए। कमरे के अंदर रखी लोहे की अलमारी को तोड़कर लगभग 22 तोले सोने के जेवरात व आधा किलो चांदी के जेवरात सहित 1 लाख नकद रुपए पार कर दिए। रामकृष्ण वर्मा ने बताया कि उनके पापा व मम्मी के कमरे को बाहर से चोरों ने बंद कर दिया था। पड़ोसी को फोन कर कमरे का बैल खुलवाया, इसके बाद बाहर निकल कर देखा तब कमरों के ताले टूटे देखे। चोरी होने की जानकारी हुई, कमरों में बिखरा मिला सामान, वहीं जेवरात के डिब्बे खाली मिले। गाँव के 200 मीटर दूर कुटी के पास ब्रीफ केस जेवरात से खाली डिब्बे मिले। रामकृष्ण वर्मा बाराबंकी में उप निरीक्षक के पद पर तैनात हैं, वहीं उनके भाई महेंद्र प्रताप सिंह फाफा मऊ प्रयागराज में दीवान के पद पर तैनात हैं। वहीं पड़ोस के गांव चंदीपुर में छोटे लाल के मकान में बाउंड्री कूद कर घुसे चोरों ने चैनल का ताला तोड़कर एक कमरे में रखे 2 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी बिछिया व 12,000 की नकदी पार कर दी। दूसरी मंजिल पर एक कमरे की जाली को तोड़ते समय कमरे में सो रहे अनुपम सिंह जग गए और चिल्लाने लगे, जिससे चोर भाग गए। अनुपम ने बताया कि 3 लोगों को उसने खिड़की से भागते हुए देखा था। प्रभारी निरीक्षक राजवीर सिंह ने बताया कि मौके की जांच की गई है, चोरी का खुलासा जल्द ही किया जाएगा। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।